बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे द लिमिट ऑफ ए फंक्शन, कि एक फंक्शन का लिमिट क्या है। और ये इंजीनियरिंग सेकंड ईयर और बीएस के तलबा के लिए टॉपिक है, रियाजी मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, कंप्यूटर साइंस में। अब इसको देख ले, द लिमिट ऑफ ए फंक्शन टू फाइंड द टेंजेंट टू अकर और द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वी नाउ टर्न अवर अटेंशन टू लिमिट्स इन जनरल एंड न्यूमेरिकल एंड ग्राफिकल मेथड्स फॉर कंप्यूटिंग दें। किसी फंक्शन का लिमिट मालूम करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड्स और ग्राफिकल मेथड की मदद से ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश की जाएगी। लेट अस इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल दिस फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स नियर टू। यहाँ पे एक्स नियर टू का मतलब है कि एक्स को एक्स लेस देन टू हम लेंगे। एक्स लेस देन टू का मतलब कि दो से छोटे स्मॉलर वैल्यूज लेंगे, और एक्स ग्रेटर देन टू एक्स से ग्रेटर वैल्यूज लेंगे, और फिर फंक्शन में पुट करेंगे, फिर देखेंगे फंक्शन की वैल्यूज़ क्या आती है। तो नाउ लुकिंग टू दिस टेबल, द फॉलोइंग टेबल गिव्स वैल्यूज ऑफ इफ ऑफ एक्स फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स क्लोज टू टू बट नॉट इक्वल टू टू। नॉट इक्वल टू टू, ये बात नोट करें कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू टू हम नहीं लेंगे। एक्स दो के लेफ्ट साइड में वैल्यू छोटे वैल्यूज लेंगे, स्मॉलर वैल्यूज लेंगे, और दो से राइट हैंड साइड में ग्रेटर वैल्यूज लेंगे और फंक्शन में पुट करेंगे। ये जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे, ये ऑल दीज वैल्यूज आर लेस देन टू, और इन तमाम वैल्यूज़ को इफ़ वी पुट ऑल दीज वैल्यूज इंडिविजुअली इन द फंक्शन वी गेट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। अब लास्ट फिगर को देखे, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 3.997001 तक आ गई। ये वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही है और 3.99 यानी 4 के करीब क्लोज़र आ रही हैं। अब अगर फंक्शन की वैल्यूज़ एक्स ग्रेटर देन 2 हम ले, अगर एक्स की वैल्यूज़ हम ग्रेटर देन 2 लेंगे, यानी राइट हैंड साइड से एक्स की वैल्यूज हम लेंगे और दो की तरफ राइट हैंड साइड में वैल्यूज ले आए और फंक्शन में हम इसको पुट करें, तो फंक्शन की वैल्यूज 3 के लिए 8 होगी। और इस तरह अगर वैल्यूज हम डिक्रीज करते जाए, राइट हैंड साइड की तरफ आते जाए, वैल्यू ऑफ एक्स डिक्रीज होंगी, तो फंक्शन की वैल्यूज भी डिक्रीज होंगी, और आखिर में 2.001 के लिए फंक्शन की वैल्यू 4.003001 आएगी। तो ये वैल्यू भी इफ़ ऑफ एक्स की, ये जो लास्ट वैल्यू ये भी 4 के करीब है, उस तरह ये वैल्यू भी 4 के करीब है। यहाँ पे जो कॉलम है वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर लेस देन 2, यहाँ पे जो कॉलम है वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर ग्रेटर देन 2। अब उसी फंक्शन का ग्राफ यहाँ पे नज़र आ रहा है, फ्रॉम द टेबल एंड द ग्राफ ऑफ एफ। इसी ये जो फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो ये पैराबोला आएगी, कप शेप्ड फिगर आएगी, कप शेप्ड फिगर को हम पैराबोला कहते हैं। तो फ्रॉम द टेबल एंड द ग्राफ ऑफ एफ शोन इन द फिगर 1, वी सी दैट व्हेन एक्स इज क्लोज टू 2, व्हेन एक्स इज क्लोज टू 2 ऑन आइदर साइड ऑफ 2। आइदर साइड ऑफ 2 का मतलब ये है कि एक्स को जो हम वैल्यूज देंगे राइट हैंड साइड से, यानी ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन 2 हम लेंगे और फंक्शन में पुट करेंगे। इसी तरह अगर हम एक्स के वैल्यूज लेंगे, ऑल दीज वैल्यूज विल बी लेस देन 2, और ये वैल्यूज हम फंक्शन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे फिगर 1, वी सी दैट व्हेन एक्स इज क्लोज टू 2 ऑन आइदर साइड ऑफ 2, इफ ऑफ एक्स इज क्लोज टू 2, तो फिर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। फंक्शन की वैल्यू इफ ऑफ एक्स इज क्लोज टू 2, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ आप देख ले, यहाँ पे ये बात है कि फंक्शन की वैल्यू इज क्लोज टू 4। तो ये बात इसी ग्राफ को, और यहाँ जो कंसेप्ट है और फंक्शन की जो वैल्यूज़ है जो 4 के करीब आ रही है फ्राम आइदर साइड, तो ये बात नोट करने की काबिल है। इन फैक्ट इट अपीयर्स दैट वी कैन मेक द वैल्यू ऑफ इफ ऑफ एक्स एज क्लोज एज वी लाइक टू 4 बाय टेकिंग एक्स सफिशिएंटली क्लोज टू 2। अगर हम एक्स की वैल्यूज़ एक्स को जो वैल्यूज़ हम असाइन करते हैं और हम 2 के करीब ये वैल्यूज़ ले आएंगे, तो फंक्शन की वैल्यूज़ क्या होगी।
फंक्शन की वैल्यू जो दो चार के करीब आएंगी। वी एक्सप्रेस दिस बाय सेइंग द लिमिट ऑफ द फंक्शन इफ आप एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू इज इक्वल टू फोर। तो फिर इसी सूरत में फंक्शन का जो लिमिट है वो हमारे पास चार आएगी। तो ये जो चार था फाइव एक्स की वैल्यू जो दोनों सूरतों में चार के करीब आ रही थी, तो ये चार हमारे पास दिए हुए फंक्शन का लिमिट है। द लिमिट ऑफ ए फंक्शन इन जनरल वी यूज द फॉलोइंग नोटेशन। डिफिनीशन नंबर वन, वी राइट लिमिट ऑफ फंक्शन इफ आप एक्स एक्स वेन एक्स अप्रोचेज ए इज इक्वल टू एल। अब इसको हम किस तरह पढ़ते हैं, एंड से द लिमिट ऑफ इफ आप एक्स एज एक्स अप्रोचेज ए इक्वल्स एल। इफ वी कैन मेक द वैल्यूज ऑफ इफ आप एक्स आर्बिट्रेली क्लोज टू एल एज क्लोज टू एल एज वी लाइक बाई टेकिंग एक्स टू बी सफिशेंटली क्लोज टू ए ऑन आइदर साइड ऑफ ए बट नॉट इक्वल टू ए। मतलब ये कि एक्स की वैल्यूज़ हम ए नहीं लेंगे, एक्स ए से लेफ़्ट साइड में स्मॉलर वैल्यूज़ लेंगे और ए के राइट हैंड साइड में ग्रेटर वैल्यूज़ लेंगे, फिर फंक्शन में पुट करेंगे और फंक्शन का बिहेवियर चेंज चेक करेंगे कि इसकी वैल्यूज़ कहाँ तक अप्रोच करती है। दिस सेज दैट द वैल्यू ऑफ इफ आप एक्स अप्रोचेज एल एज एक्स अप्रोचेज ए। इन अदर वर्ड द वैल्यू ऑफ इफ आप एक्स टेंस टू गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू द नंबर एल एज x gets closer and closer to the number a from either side of a but x not equal to a। an alternative notation for limit, ये जो function के लिए limit का ये जो representation है इसी representation को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। limit if of x x tends to a is equal to l as if of x approaches l as x tends to a। ये बात और नीचे वाली बात दोनों इक्विवेलेंट है, विच इज़ यूजुअली रीड। अब इसको हम किस तरह पढ़ते हैं, इफ़ आप एक्स अप्रोचेज एल एज एक्स अप्रोचेज ए। नोटिस द प्रेस बट एक्स नॉट इक्वल टू ए। यहाँ पे ये जो बात है इसको आप नोट करें, नोटिस द प्रेस दिस वन इन द डिफिनीशन ऑफ लिमिट। दिस मीन्स दैट इन फाइंडिंग द लिमिट ऑफ फंक्शन एज एक्स अप्रोचेज ए वी नेवर कंसिडर एक्स इज इक्वल टू ए। हम एक्स इक्वल टू ए को यूज़ नहीं करते हैं। इन फैक्ट इफ आप एक्स नीड नॉट इवन बी डिफाइंड वेन एक्स इज इक्वल टू ए। बाज़ औक़ात एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, मालूम नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होती है। द ओनली थिंग दैट मैटर इज हाउ इफ इज डिफाइंड नियर ए। फिगर टू, फिगर टू, अब ये जो तीनों फिगर है इसको फिगर टू का नाम दिया है। फिगर टू शो द ग्राफ ऑफ थ्री फंक्शंस, नोट दैट इन पार्ट सी इफ आप ए इज नॉट डिफाइंड एंड इन पार्ट बी इफ आप ए इज नॉट इक्वल टू एल। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है और फिगर टू शोज द ग्राफ ऑफ थ्री फंक्शन, नो दैट इन पार्ट सी इफ आप ए इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब ये है कि अगर हमारे पास इफ आप एक्स इक्वल वन ओवर एक्स माइनस टू हो, अगर वन ओवर एक्स माइनस टू में हम एक्स इज इक्वल टू टू पुट करें तो वन ओवर ज़ीरो आता है और वन ओवर ज़ीरो डिफाइंड नहीं होता है। तो बाज़ औक़ात फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होती है और बाज़ औक़ात डिफाइंड नहीं होती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं फिगर टू शो द ग्राफ ऑफ थ्री फंक्शंस, नोट दैट इन पार्ट सी इफ आप ए इज नॉट डिफाइंड एंड इन पार्ट बी इफ आप ए इज नॉट इक्वल टू एल। ये जो है ये वाला हमारे पास ये जो है या ये वाला ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन जाहिर करती है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो एल के बराबर नहीं है, यहाँ तक इफ आप ए है और एल हमारे पास यही है। तो कहते हैं बट इन ईच केस रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपन्स एट ए इट इज़ ट्रू दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट विच इज़ इक्वल टू एल। वो कहते हैं कि कभी फंक्शन की लिमिट मालूम होती है, कभी मालूम नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, कभी एग्जिस्ट करती है कभी नहीं करती है। ये बात आप नोट कर लें। अब ये एक एग्जाम्पल है, गेस द वैल्यू ऑफ लिमिट। अब यहाँ एक क्वेश्चन है और इसका फंक्शन है और उसका लिमिट मालूम करना है। नोटिस दैट द फंक्शन इफ आप एक्स इज़ नॉट डिफाइंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन। अब अगर एक्स इज इक्वल टू वन को फंक्शन में हम पुट कर ले, एक्स इज इक्वल टू वन, अब अगर ये वैल्यू फंक्शन में
सब्स्टिट्यूट किया जाए, ये फंक्शन है, और ये यहाँ पे और यहाँ पे हम पुट करें तो ऊपर न्यूमरेटर में ज़ीरो, डिनोमिनेटर में ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड फॉर दिस वैल्यू, बट दैट डज नॉट मैटर बिकॉज द डिफिनीशन ऑफ लिमिट सेज दैट वी कंसिडर वैल्यूज ऑफ एक्स दैट आर क्लोज टू ए बट नॉट इक्वल टू ए। वो कहते हैं कि इसी फंक्शन का लिमिट, तो इसी फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पर डिफाइंड नहीं है, इसके बावजूद इसी फंक्शन का लिमिट हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि एक्स इक्वल टू वन हम नहीं लेते हैं, बल्कि एक्स इक्वल टू वन वन से लेफ्ट साइड में हम वैल्यू लेते हैं, वन से राइट हैंड साइड में वैल्यू लेते हैं, और फिर देते हैं कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे अप्रोच करती है। अब यो यहाँ पे देख ले, द टेबल्स बिलो गिव वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स करेक्ट टू सिक्स डेसिमल प्लेसेस फॉर वैल्यू ऑफ एक्स दैट अप्रोच वन बट आर नॉट इक्वल टू वन। एक्स इज नॉट इक्वल टू, हम एक्स इज इक्वल टू वन नहीं लेंगे, बाकी वन से लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू लेंगे और वन से राइट हैंड साइड में वैल्यू लेंगे और फंक्शन में पुट करेंगे और फिर फंक्शन का बिहेवियर देखें कि इसकी वैल्यू कहाँ तक आती है। अब ये देखिए, ये सारे वैल्यूज लिए गए हैं वन से छोटे और यहाँ पे फंक्शन में इसको एंटर किए गए हैं, तो अब ये देखिए, फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज दिस 8.5, सिमिलरली फॉर वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज दिस वन। ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज इन द टेबल वी मेक द गेस दैट लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू 0.5। ये भी इसी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की वैल्यू 0.5 तक अप्रोच करिए, और एक्स की ये जो वैल्यू है या ये जो सारा सेट है फंक्शन की वैल्यू 0.5 को अप्रोच करिए। अभी 0.499975 ये वैल्यू मज़ीद 5.5 की तरफ आ रही हैं। अब यहाँ पे आप देख ले, एग्जांपल वन इज़ इलस्ट्रेटेड बाय द ग्राफ ऑफ एफ़। ये जो ग्राफ है, ये जो पिछला एग्जांपल था उसी एग्जांपल के लिए इसी पेज में ग्राफ नज़र आ रहा है इन फिगर 3। नाउ लेट अस चेंज इट स्लाइटली बाय गिविंग इट द वैल्यू 2 व्हेन एक्स इक्वल टू 1 एंड कॉलिंग द रिजल्टिंग फंक्शन जी। अब ये जो ग्राफ है ये प्रीवियस एग्जांपल के लिए, अब उसी एग्जांपल में ये छोटा सा इजाफा किया गया है, अगर एक्स वन हो तो जी की कीमत हम 2 लेंगे, तो इसी क्वेश्चन के लिए इसी एग्जांपल के लिए इसका ग्राफ नीचे है। यहाँ पे जो फंक्शन एफ था 0.5, एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज 1 फ्रॉम आइदर साइड लिमिट ऑफ द फंक्शन वॉज 0.5। अब अगर ये चेंजेस फंक्शन में की जाए तो इसका ग्राफ नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें, नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो उसी फंक्शन का लिमिट भी 0.5 आता है, अलबत्त एक्स इक्वल वन के लिए, एक्स इक्वल वन के लिए जी ऑफ एक्स क्या था, जी ऑफ एक्स हमारे पास यही था। थैंक यू।